स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारी इस एक और नई वीडियो में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताने वाला हूं जो इतनी ज़्यादा क्रूर थी कि उसने 100 से भी ज़्यादा गुलामों को मौत के घाट उतारा था। दोस्तों इस औरत का नाम था मैडम लेलोरी, जो अपने गुस्सैल व्यवहार और बेरहमी के लिए जानी जाती थी। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानते हैं मैडम लेलोरी के बारे में, बने रही वीडियो के एंड तक। दोस्तों मेरा नाम है अमन और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सीरियल किलर मैडम लेलोरी का जन्म सन 1780 में लुइस बर्थलेमी के घर में हुआ था। उनके अलावा उनके चार भाई बहन और थे और उन सब में मैडम का जो अंदाज था वो काफ़ी ज़्यादा अलग और शाही था। उनका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल और खौफनाक था, जिसकी वजह से कोई भी गुलाम उनके आगे नहीं पड़ता था। मैडम गुलामों को हर छोटी छोटी बातों पर भयानक सजा देती थी और उनके इसी व्यवहार और बर्ताव की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर थी। दोस्तों कहा जाता है कि मैडम लेलोरी अपने गुलामों को इतनी ज़्यादा भयानक और खौफनाक सजा देती थी कि जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए, क्योंकि उसने लोगों और गुलामों को सजा देने के लिए एक अलग से तहखाना बनाया हुआ था, जिसमें वो उन लोगों को और गुलामों को सजा देती थी जो उसे पसंद नहीं थे। और ये सिलसिला काफ़ी समय से चला आ रहा था। लेकिन दोस्तों एक दिन मैडम लेलोरी के अत्याचारों से परेशान लोगों ने मैडम की हवेली में धावा बोल दिया और मैडम लेलोरी की हवेली में आग लगा दी, जिससे वहां हवेली में सब कुछ जलने लगा। बाद में कुछ देर बाद वहां आग बुझाने वाले कर्मी पहुंचते हैं जो हवेली में जाकर वहां फंसे हुए लोगों को बचाते हैं। और तभी उन लोगों को हवेली में एक गुप्त कमरा मिलता है जिसमें एक 70 साल की बूढ़ी औरत जंजीरों से बंधी हुई थी। आग बुझाने वाले कर्मी उस औरत को वहाँ से बाहर निकाल कर उसका इलाज करवाते हैं और बाद में वो बूढ़ी औरत बताती है कि मैडम लेलोरी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मैडम लेलोरी ने गुलामों को सजा देने के लिए एक अलग ही तहखाना बनाया हुआ है, जिसमें वो लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारती है, तड़पाती है और सजा के तौर पर मैडम लोगों के मुंह और हाथों को सिलवा देती है और यहाँ तक कि वो लोगों का सर भी कटवा देती है। और यही नहीं, इससे भी ज़्यादा तरीके हैं जिनसे वो लोगों को मौत के घाट उतारती है। दोस्तों बाद में आग बुझाने वाले कर्मियों ने उस तहखाने को ढूंढ निकाला जिसमें मैडम उन सभी गुलामों और लोगों को सजा देती थी। जब कर्मियों ने उस तहखाने के अंदर का नज़ारा देखा तो उनके होश उड़ गए। उस वक्त तहखाने में करीब 20 से 25 लोग पड़े हुए थे, जिनमें से कुछ जिंदा थे और कुछ मरे हुए थे। उनमें से कुछ लोगों के मुंह और हाथ सिले हुए थे और कुछ बुरी तरह से घायल थे। अब दोस्तों मैडम ने जितने भी लोगों को मारा या जितने भी गुलामों को सजा दी, उनमें से ज़्यादातर लोग काले थे, जिससे ये पता चलता है कि मैडम को काले गोरे रंग में भेदभाव था। अब लेकिन दोस्तों इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैडम लेलोरी को पकड़ा नहीं जा सका। कहते हैं कि उस वक्त मैडम लेलोरी अपने फैमिली के साथ पेरिस भाग निकली थी। और दोस्तों कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मैडम लेलोरी को जान पूछ कर नहीं पकड़ा गया था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे मैं अगली वीडियो के लिए मोटिवेट हो सकूं। तो दोस्तों मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।